हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, सीजी जुंग ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि तुम वही जिंदगी जी रहे हो जो तुमने अपने लिए खुद बनाई है, और तुम्हें वही चीज मिलती है जो तुम खुद अपने लिए चुनते हो। और दोस्तों, मजेदार बात ये है कि एक जिद्दी इंसान इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है कि तुम आज जिस भी परिस्थिति में जी रहे हो वो तुमने अपने लिए खुद ही बनाई है। मगर तुम्हें आज अपनी जिंदगी से, अपनी हालात से नफरत है तो उसे बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी तरह से तुम्हारी है। एक जिद्दी इंसान कभी भी अपने हालात के सामने अपने घुटने नहीं टिकाता। अगर उसे अपने हालात, अपनी जिंदगी पसंद नहीं है तो वो खुद अपने हालात को बदलने का जज्बा रखता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि उन्हें काम करते समय दर्द नहीं होता। होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा दर्द होता है, मगर अपने हालात को बदलने का जुनून उसके सर पे इस कदर चढ़ा होता है कि वो इंसान अपना पूरा गुस्सा, पूरा ध्यान अपने काम को पूरा करने में डाल देता है। चलिए इसे मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, एक लड़का था जिसका बचपन से ये सपना था कि वो स्पेस साइंटिस्ट बने और अपना खुद का रॉकेट बनाए। मगर वो स्टडी में एक एवरेज लड़का था और इसी वजह से वो 9th स्टैंडर्ड में मैथ्स में फेल हो गया। उसने 10th में मेहनत की और 60% के साथ साइंस फील्ड में आगे बढ़ा, मगर 11th में फिर से वो फिजिक्स में फेल हो गया और इसी वजह से 12th में भी उसे कुछ ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं मिले, तो इसी वजह से वो कभी भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में नहीं जा सका। मगर ये लड़का थोड़ा जिद्दी था। उसने कहा कि भाई, मैं तो रॉकेट बना कर रहूंगा, भले चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। उसने जिद पकड़ी, या तो मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा जैसी मुझे जीनी है, या फिर मैं जिंदगी जीना ही छोड़ दूंगा। उसने दिन रात मेहनत की, कॉलेज के साथ साथ रॉकेट साइंस की भी पढ़ाई की और सूरत शहर में एक रिसर्च सेंटर खोला जिसमें उसी के जैसे बाकी कॉलेज स्टूडेंट के साथ मिलकर वो रॉकेट बनाने पे काम करने लगे। वो सुबह 8 बजे से रात को 12-12 बजे तक काम करते थे। अगर कोई ऑर्डिनरी इंसान होता तो वो थक जाता, हार मान लेता, मगर ये लड़का थोड़ा जिद्दी था। वो कभी थका नहीं, कभी हारा नहीं, उसे तो बस खुद का रॉकेट बनाने का जुनून था। उसने अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी जिद रॉकेट बनाने में डाल दी और उसके उसी जुनून को देखकर उसके साथी दोस्त भी प्रेरित हो जाते थे। और उसकी इसी जिद और पागलपन की वजह से उसने 2015 में अपना खुद का रॉकेट बनाकर इस दुनिया को ये साबित करके दिखाया कि जिद के सामने किस्मत भी अपना सर झुकाती है। उसकी जबरदस्त मेहनत को देखकर नासा के इंजीनियर्स भी इंप्रेस्ड हो गए। इसे कहते हैं जिद्दी इंसान, जो हालात के सामने झुकता नहीं लेकिन हालात को खुद अपने सामने झुकाता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से हमारी किस्मत हमारी चॉइस पे डिपेंड करती है। अगर वो लड़का चाहता तो वो भी कम मार्क्स या पढ़ाई ना करने का बहाना बनाकर एक ऑर्डिनरी लाइफ जी सकता था और ये दुनिया वाले उसकी ये बात समझ भी जाते। मगर नहीं दोस्तों, उसने जिद पकड़ी और एक शेर की तरह अपनी किस्मत को हरा कर वो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जिया। इसे कहते हैं एक जिद्दी इंसान। चलिए दोस्तों, अगली साइकोलॉजी को जानते हैं, नो एक्सक्यूजेस। दोस्तों, एक जिद्दी इंसान हमेशा इस बात पे बिलीव करता है कि यू आर व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू आर सेइंग। यानी कि आपकी पहचान आपके काम से होती है, ना कि आपकी बातों से या आपकी सोच से। एक जिद्दी इंसान अपने काम के बारे में बातें करने के बजाय अपने काम को सक्सेसफुली करके दिखाने में बिलीव करता है। एक जिद्दी इंसान फालतू की बातों पे अपना मुंह बंद रखते हैं और अपने काम पे फोकस करते हैं और अपने काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हासिल करने के बाद वो पूरी दुनिया का मुंह बंद करवा देते हैं। चलिए इसी बात को हम जरा प्रैक्टिकली देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, विल्मा रुडोल्फ को बचपन में ही पोलियो की बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने उनकी माँ को ये साफ साफ कह दिया था कि ये लड़की अब जिंदगी में कभी चल नहीं सकती, और डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि ये लड़की अब ज्यादा समय तक जिंदा भी नहीं रहेगी। विल्मा के घर में सब लोग ये बात जानकर उदास थे। मगर तभी विल्मा के दिमाग में एक जिद आई। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे चलना नहीं है, मुझे दौड़ना है, और सिर्फ दौड़ना नहीं है बल्कि इस दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना है। विल्मा की ये जिद थी कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिएगी। उसने अपने ही मन में इस दुनिया की सोच से अलग जाकर अपने सपनों के लिए लड़ने की सोची और अगले ही दिन उसने चलने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब तक जो लड़की अपने बिस्तर से भी नहीं उठ सकती थी,
वो आज खुद चलने की कोशिश कर रही थी। वो कई बार गिरी, फिर से उठी, फिर से गिरी, फिर से उठी। वो बार बार गिरती रही, उसे चोट भी लगी, दर्द भी हुआ, मगर उसकी जिद के सामने दर्द ने भी हार मान ली और करीब 2 साल के अंदर अंदर ही वो चलने में कामयाब हो गई दोस्तों। और जो लड़की बचपन में पोलियो की बीमारी से तड़प रही थी, उसने आज अपने सारे हालातों से लड़कर अपने सपनों को सच करके दिखाया। उसने ओलंपिक में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 3 गोल्ड मेडल जीते और इस दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बनके दिखाया। विल्मा ने जिंदगी के हर एक हालात से लड़कर अपनी जीत को इस कदर हासिल किया कि जो लोग उसके मरने का इंतजार कर रहे थे, जो डॉक्टर्स ने उसे अपाहिज बोलकर मरने के लिए छोड़ दिया था, विल्मा ने उन सब की बोलती एक साथ बंद करके दिखाई दी। दोस्तों विल्मा चाहती तो उसके पास 1000 बहाने थे अपने सपने को पूरा ना करने के लिए, मगर उसने कोई बहाना नहीं बनाया, ना ही किसी दूसरे इंसान को अपनी हालात के लिए ब्लेम किया, मगर उसने अपनी जिम्मेदारी खुद ली। उसने रोने के बजाय अपने सपनों के लिए लड़ना चूज किया, अपनी मुसीबतों से डरने के बजाय अपनी मुसीबतों का सामना करने का डिसाइड किया। उसने किसी भी हालात में अपनी जिद को नहीं छोड़ा, बल्कि उसने अपनी जिद की मदद से उन तमाम परिस्थिति और चुनौतियों का सामना किया जो बाकी लोगों के लिए नामुमकिन था, और अपनी जिद की मदद से ये इतिहास बना दिया कि कैसे एक अपाहिज लड़की ने अपनी जिद के दम पर इस दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बनी। तो दोस्तों इसे कहते हैं एक जिद्दी इंसान जो एक्सक्यूज नहीं देता बल्कि रिजल्ट देता है। चलिए दोस्तों अगली साइकोलॉजी को जानते हैं। दोस्तों आज आप में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी में हताश हो गए हो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की उम्मीद को छोड़ चुके हो। मैं उन सब से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बैठे मत रहो दोस्तों, अपनी हार को जीत में बदलो, अपने गुस्से को डायरेक्शन दो, उसे एक जिद में बदलो, सक्सेस अपने आप ही मिलनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अपने गुस्से को अपनी जिद बनाओ, अपनी जिद को इतना बड़ा कर दो कि कोई भी बड़े से बड़ी मुसीबत भी आपके सामने घुटने टेक कर ये बोले कि भाई मैं हार मानती हूँ, तेरे जिद के सामने मैं सर झुकाती हूँ। दोस्तों ऐसा ही एक गुस्सा आया था एक छोटे से लड़के को। वो अपनी गरीबी और लाचारी से तंग आ गया था और इसी वजह से वो गुस्से से आग बबूला होकर ये बोला कि इस दुनिया में गरीब घर में पैदा होना या अमीर घर में पैदा होना, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इस दुनिया में अमीर बनकर मरना या गरीब इंसान बन के मरना, वो तो मेरे ही हाथ में है। बस फिर क्या था दोस्तों, उस लड़के ने जिद पकड़ ली कि मुझे तो अब अमीर इंसान बनना ही बनना है, मुझे नहीं जीना ऐसे गरीबों की तरह। उसने अपनी जिद को इतना बड़ा किया कि वो दिन में 17-17 घंटे किताबें पढ़ने लगा, नए नए आइडियाज पे काम करने लगा, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, यहाँ तक कि कई बार तो वो अपने जूते पहनकर ही सो जाता था ताकि टाइम वेस्ट ना हो। उसकी जिद इतनी बड़ी थी कि उसकी जिद ने उसे ना सोने दिया ना थकने दिया, उसकी जिद ने उसे इतना काम करवाया कि आज वो सिर्फ अमीर नहीं बल्कि इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया है। दोस्तों उस जिद्दी लड़के का नाम है बिल गेट्स। गेट्स के बारे में लोग कहते रहते हैं कि ये लड़का तो कॉलेज ड्रॉप आउट है, पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, मगर एक सच्चाई बताऊं दोस्तों कि बिल गेट्स ने भले ही कॉलेज जाना छोड़ दिया था मगर उसने कभी भी पढ़ाई करना नहीं छोड़ा था। बिल गेट्स के दोस्त आज भी इंटरव्यू में ये बताते हैं कि बिल गेट्स जितना मेहनती इंसान उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा, जो डेली अपने काम को समझने के लिए 17-17 घंटे तक किताबें पढ़ता रहता था और वो आदत उनमें आज भी मौजूद है। इसी वजह से वो हर दिन 400 से भी ज्यादा पेज डेली पढ़ते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं था दोस्तों कि उस समय पे सिर्फ बिल गेट्स ही सॉफ्टवेयर बनाते थे, बाकी बहुत सारी कंपनियां भी सॉफ्टवेयर बना रही थी, मगर इस इंसान की जिद ही कुछ अलग लेवल की थी जिसकी वजह से उसने ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जो बाकी लोग कभी बना नहीं सके। आप मानो या ना मानो मगर इस दुनिया में आज जिसने भी जीत की है उसी इंसान ने इतिहास रचा है। यकीन ना हो तो मैं आपको इसे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। दोस्तों पेपाल कंपनी छोड़ने के बाद इलन मस्क को स्पेस में जाने का चस्का लगा, इसीलिए वो स्पेसशिप की डील करने के लिए रशिया चले गए, मगर वहाँ पे जाने के बाद उन्हें पता चला कि ये रॉकेट्स तो बहुत ही महंगे है यार। उन्होंने रशिया के साइंटिस्ट को बहुत समझाने की कोशिश की कि आप जरा लो बजट वाले रॉकेट्स बनाइए भाई, मगर वहाँ के लोगों ने इलन मस्क की एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने इलन मस्क को बेवकूफ बोल के उनका स्पेस में जाने का प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया। मगर ये भी बड़ा जिद्दी इंसान था,
रशियन की बात उसने दिल पे ले ली और कहा, भाड़ में जाओ तुम सब, मैं अपना रॉकेट खुद बनाकर दिखाऊंगा। और एक ऐसा लड़का दोस्तों जिसने रॉकेट सिर्फ टीवी और किताबों में ही देखा था, उसने ये जिद पकड़ ली थी कि भाई अब तो मैं खुद एक रॉकेट बना करके दिखाऊंगा और वो भी इन सब लोगों से कम कीमत में बनाऊंगा। इलोन मस्क की जिद और पागलपन इतना भयानक था कि उसने ना दिन देखा ना रात, उसने अपना घर किताबों से भर दिया और एक के बाद एक हजारों किताबें पढ़ डाली। क्योंकि उनकी जिद इतनी बड़ी थी इसलिए उन्हें कोई भी मुसीबत रोक नहीं पाई और खुद ही बिना कोई कॉलेज एजुकेशन और कॉलेज डिग्री के ऐसे रॉकेट्स बनाए जो कम कीमत के भी थे और उसे रीयूज भी किया जा सकता था। और इसी तरह से एक पागल इंसान की जिद ने दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी गलत साबित करके दिखाया। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट कभी सोच भी नहीं सकते थे, वैसे रॉकेट्स इलन मस्क ने सिर्फ किताबें पढ़कर बनाए। यहाँ तक कि नासा वाले भी अब अपने रॉकेट्स का कॉन्ट्रैक्ट इलन मस्क को ही देते हैं। इसी चीज से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि अपनी जिद को जिंदा रखकर आप क्या कुछ कर सकते हो इस दुनिया में, क्योंकि जिद में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो हर नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, हमारा इतिहास कहता है कि जिसने ये जीत की है उस हर एक इंसान ने इतिहास बदला है। जिसने अपनी मंजिल को पाने की जिद की है उसके सामने हर बड़े से बड़ी मुसीबत ने भी अपनी हार मान ली है। दोस्तों ऐसी ही जिद एक 60 साल के बूढ़े इंसान को भी आ गई थी। उसका सपना था कि उसे भी अमीर इंसान बनकर ही मरना है। इसी वजह से जिस उम्र में सब लोग रिटायर्ड होकर आराम करते हैं, उसी उम्र में उस जिद्दी इंसान ने जिंदगी को चुनौती दी और अमीर बनने के लिए निकल पड़े। मगर अमीर बनने के लिए उनके पास ना कोई कॉलेज डिग्री थी, ना ही कोई बड़ा फैमिली सपोर्ट, मगर उनके पास अपनी एक पुरानी चिकन की रेसिपी थी। उन्होंने अपनी रेसिपी बनाई और लोगों से मिलना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे वो लोगों से मिलते गए, उन्हें पता लगता गया कि उनकी रेसिपी इतनी खास भी नहीं है। इसी वजह से लोगों को वो इतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी। अगर दूसरा कोई इंसान होता तो ये बात जानकर गिव अप कर देता, मगर ये थोड़ा पागल इंसान था। अमीर और सक्सेसफुल बनने की जिद उसके सर पर इस कदर चढ़ गई थी कि गिव अप करने का ख्याल तो उसे कभी आता ही नहीं था। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और लोगों के फीडबैक के अनुसार अपनी चिकन की रेसिपी में कुछ मॉडिफिकेशन किया और फिर से चिकन बेचना स्टार्ट किया। वो 10 लोगों से मिला, 100 लोगों से मिला, मगर सब ने उसकी रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया। मगर ये थोड़ा जिद्दी इंसान था ना, शब्द उसे समझ में नहीं आता था। वो घर घर जाकर चिकन बेचने की कोशिश करता था, मगर हर एक इंसान की तरफ से उसे ना ही सुनने को मिलती थी। इसी तरह से कम 1000 लोगों ने उसे ना बोलकर उसकी चिकन की रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया था। इतने सारे रिजेक्शन के बाद तो डेफिनेटली कोई भी इंसान हार मान लेता है, मगर इस 60 साल के बूढ़े इंसान ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने अपने सपने को नहीं छोड़ा, बस अपने काम करने के तरीकों को थोड़ा बदला और कुछ नए बदलावों के साथ उसने फिर से अपने चिकन को बनाया। और इस बार 1009वीं बार लोगों को चिकन की रेसिपी पसंद आने लगी और ये चिकन की रेसिपी लोगों को इतनी पसंद आई कि आज 118 देशों में 19,000 से ज्यादा भी आउटलेट्स है इसके। और वो 60 साल का इंसान और कोई नहीं बल्कि कर्नल सैंडर्स थे, जिन्होंने KFC बनाई और 65 साल की उम्र में इस दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बने। तो दोस्तों देखा आपने, ये होता है जिद का पावर, जो 60 साल के इंसान को भी थकने नहीं देती, जो एक स्टूडेंट को सुबह 5 बजे उठाकर पढ़ने पे मजबूर करती है, जो एक सेल्समैन को कड़ी धूप में भयंकर बारिश में भी घर घर जाकर मार्केटिंग करने पे मजबूर करती है। ये एक जिद ही होती है जो सरहद पे सिपाही को सीने पे गोली खाने के लिए तैयार करती है। ये एक जिद ही होती है दोस्तों जो एक इंसान को 9999 बार फेल होने के बाद भी गिव अप नहीं करने देती। ये एक जिद ही होती है दोस्तों जो एक कमजोर इंसान को ताकतवर बनाती है, एक गरीब इंसान को अमीर बनाती है। ये एक जिद ही होती है दोस्तों जो एक मंदबुद्धि लड़के को महान कवि कालिदास बनाती है। और ये जिद ही है दोस्तों जो मुझे हर हफ्ते आपके लिए वीडियो बनाने पे मजबूर करती है। तो दोस्तों जिद्दी बनो और अपनी हालात, अपनी किस्मत को इस कदर बदल करके दिखाओ कि ये दुनिया वाले सालों तक तुम्हारी जिद की तारीफ करते रहे।
और अगर आपके अंदर भी ऐसे ही कोई जिद जिंदा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो हर हफ्ते देखने हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।